ये मैं आपको दिखाता हूँ तोड़ के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शो मिस्टेक। दोस्तों आज हम लोग फिलिप्स का HD4815 इस पॉपअप टोस्टर का रिव्यू करेंगे। आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, क्या इसमें सिर्फ ब्रेड होता है, नहीं इसमें ब्रेड छोड़ के भी और बहुत कुछ होता है। आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे और चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं इसमें क्या क्या हम लोग बना सकते हैं। इसका जो MRP है वो 1595 है और ये आपको कितने में मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक डाला हुआ है वहाँ पे क्लिक करने में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये फिलिप्स का जो मेन टोस्टर बॉडी है और इसके साथ आपको एक अच्छा खासा कॉर्ड मिल जाता है। तो ये लगभग 1 मीटर का कॉर्ड है और इसमें क्या क्या है देखिए, ये मेटल बॉडी है, ये बीच वाला जो है ये मेटल बॉडी है और साइड वाला इसका प्लास्टिक कूल टच है। और यहाँ पे इसका जो एडजस्टेबल नॉब दिया हुआ है कि कितना आपको जो ब्रेड को लाल करना है या ब्राउन करना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जब आप नीचे दबाओगे तब ये इससे ये नीचे अटक जाएगा और आपका ब्रेड जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। हम आपको टोटल डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे आप इसमें वो चीज़ कर सकते हो। तो अभी हम लोग जल्दी से इसका एक डेमो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका जो नॉब है इसमें 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर आपको थोड़ा हल्का ब्रेड चाहिए तो आप इसको 1 में दे दीजिएगा। तो मैं इसको 1 में कर दिया और उसके बाद इसको ऐसे हम लोग रखेंगे और इसमें ब्रेड देंगे। तो पहले जो हम नॉर्मल साइज़ का ब्रेड होता है उसको दे के आपको दिखाएंगे और उसके बाद जो बड़ा साइज़ का ब्रेड होता है इससे थोड़ा बड़ा, दोनों का ही दे के आपको दिखाएंगे। इसमें साइज़ कोई भी आ जाता है। तो पहले हम लोग 2 छोटा ब्रेड इसमें डाल देते हैं। देखिए इसमें सबसे बढ़िया जो बात है वो है कि इसमें ब्रेड बहुत ऊपर रहता है, जब आप इसको निकालोगे तब भी आपके हाथ में हीट लगने का चांस ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग इसका जो स्लाइडर है उसको नीचे की तरफ कर देते हैं। तो स्लाइडर को हमने नीचे की तरफ कर दिया और ये चालू हो गया। देख लीजिए ये नीचे की तरफ चालू हो गया। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको पता चलेगा जब वो स्लाइडर नीचे रहेगा तब। अगर आपको इस वक्त जो ब्रेड है उसको बंद करना है तो आप इसको 0 कर सकते हो। इसको 0 करने से आपका जो ब्रेड है वो बंद हो जाएगा। देखिए हम लोगों का जो ब्रेड है वो बनना शुरू हो गया है और भीतर एकदम लाल होके हीट होना शुरू हो गया है। तो हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं। तो देखिए हम लोग का जो ब्रेड है वो ऊपर की तरफ आ चुका है और ब्रेड बहुत अच्छी तरह से बन भी गया है। तो हम इस दोनों को निकाल लेते हैं यहाँ से और अभी हम लोग जो बड़ा वाला ब्रेड है उसको आपको देख के दिखाते हैं। जो सैंडविच वाला ब्रेड होता है उसको हमने इसके अंदर दे दिया। तो फिर से हमने जो स्लाइडर है उसको नीचे की तरफ दबा दिए। देखिए इसके अंदर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अंदर जो ब्रेड है वो बन रहा है। दोस्तों ये वाला जो टोस्टर है इसमें खराबी यही है कि इसका जो ये बॉडी है ये मेटल बॉडी है और ये हीट हो गया है। अब जब आप इसको छूओगे तो आपको हीट लगेगा। अगर बच्चे इसको छूते हैं बीच की तरफ से तो उन लोगों को हीट लगेगा, सिर्फ साइड वाला जो बॉडी है इसमें हीट नहीं आता है। और भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जो ब्रेड है उसको हो जाने दीजिए। तो दोस्तों हम लोग का जो ब्रेड है वो बन गया है और वो ऊपर आ चुका है। तो हम लोग देखिए ब्रेड का कलर आपको दिखाते हैं कितना अच्छा हुआ है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपको बोला था कि इसमें एक प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके नीचे जो ब्रेड क्रम्स को साफ करने का जगह है वो स्क्रू ड्राइवर से खोलना पड़ता है और बहुत सारे जगह पे ट्रे दिया हुआ होता है। तो ट्रे रहता है तो उसको निकालने के बाद साइड में थोड़ा जो ब्रेड क्रम्स है वो रह जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह पे इसके बदले में आपका यहाँ एक लॉक सिस्टम रहता है जिससे कि आसानी से ये खुल जाता है, लेकिन इसमें जो स्क्रू ड्राइवर का सिस्टम है ये बार बार खोलना थोड़ा मुश्किल होता है। अब इसमें और क्या आप बना सकते हो, आप इसमें आसानी से पापड़ वगैरह बना सकते हो। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। पापड़ को आप ऐसे फोल्ड कर दो और उसके बाद इसके अंदर आप दे सकते हो। तो ये पापड़ थोड़ा बड़ा है तो हम इसके अंदर दे दिए और इसके बाद इसको स्लाइडर को डाउन कर दिए। तो अभी देखते हैं कि पापड़ कैसे बन जाता है।
देखिए जो पापड़ है वो सेकना शुरू हो गया है। दोस्तों आप बाहर से कोई भी जो फास्ट फूड है वो लाते हो और वो अगर ठंडा हो जाता है तो आप इसके ऊपर उसको रख सकते हो, तो वो सीख जाएगा और अच्छी तरह से वो गर्म भी हो जाएगा। तो आप सिर्फ इसमें ब्रेड नहीं, इसमें बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। तो देखिए हम लोग का जो पापड़ है वो लगभग सीख गया है, और देखिए आपको जो बर्न मार्क्स वो भी दिखाई दे रहा होगा। आप इसको ऊपर रखने से भी ये सीख जाता है, ठीक है। जो स्लाइडर है वो ऊपर आ चुका है। प्रॉब्लम है मेरे पास चिमटा नहीं है तो थोड़ा हीट लग रहा है, इसके वजह से मैं ठीक से इसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। और ये एकदम बेक्ड हो गया है और जब ठंडा होगा तो एकदम अच्छा बन जाएगा। अभी भी ये अच्छी तरह से देखिए सीख गया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ तोड़ के। तो पापड़ बहुत अच्छी तरह से बन चुका है। अब दोस्तों ये जो टोस्टर है इसमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है। दोस्तों ये टोस्टर फिलिप्स ब्रांड की तरफ से है और ये टोस्टर बहुत कम खराब होता है, ऐसा हमने देखा है। और ये 2 साल के वारंटी के साथ आता है, बहुत सारे टोस्टर है वो 1 साल के वारंटी के साथ आता है, तो इसमें भी ये अच्छा है। इसका जो बॉडी है ये मेटल बॉडी का है, मेटल बॉडी का होने से इसका जो बॉडी है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। जो प्लास्टिक बॉडी वाला है वो हीट के वजह से बहुत जल्दी या धीरे धीरे वो खराब हो जाता है। अब इसमें परेशानी क्या है दोस्तों, परेशानी ये है कि ये जो है इसका जो बॉडी है ये बहुत जल्दी हीट हो जाता है, इसके वजह से आपके हाथ में हीट लगने का चांस है और जल भी सकता है। इसमें आपका जो ब्रेड क्रम्स निकलने का जगह है वो बंद किया हुआ है, इसके वजह से आपको इसको खोलने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। इसमें हीट बहुत जल्दी होता है, जैसे जो प्लास्टिक वाला टोस्टर है उसमें हीट थोड़ा कम होता है, उसके वजह से क्या होता है आपका जो ब्रेड है वो धीरे धीरे सिकता है। लेकिन जो ये मेटल टोस्टर है इसमें हीट बहुत जल्दी से होता है, इसके वजह से ब्रेड बहुत जल्दी से सिक जाता है। तो एकदम हल्का ब्रेड आप बनाना चाहो तो इसमें बनाना प्रॉब्लम हो जाता है। और ये वाला जो टोस्टर है इसमें रीसेट और फ्रोजन बटन नहीं दिया हुआ है, इसके वजह से वो काम आप इसमें नहीं कर सकते हो, लेकिन आप इसको बंद ज़रूर कर सकते हो, ज़ीरो करने से ये बंद हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ही ऐसी किसी नए वीडियो के साथ।